पीपल फॉर एनिमल्स आगरा यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक बार फिर एक हेल्पलाइन पे आए हैं। हमारे पास कॉल आया, उन्होंने बताया कि दो दिन पहले किसी डॉग को एक व्यक्ति ने चाकू मारकर बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया है। दो दिन से वो डॉग कहीं छुपा हुआ बैठा हुआ था, तो आज उन लोगों ने देखा तो उस डॉग को उन्होंने बंद कर दिया है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है डॉग के साथ और आपको भी दिखाते हैं, वीडियो में बने रहें। यही तो बात है, कोई बताओ सामने पहले ऐसे नहीं, आपके सामने आना पड़ेगा। कितने मारा है उसको? जो बुरा होता है बे फालतू के मेरे अंदर बाहर सुनिंदा सुनिंदा कह रहे हो, और फिर उसके बाद उसको हम का अब तो देखो एक को बताओ, अब तो वाला जानवर की बात है। ठीक है बात है, अभी वो आज इसको मारा है, कल इसको मारेंगे, फिर बुलाओगे आप? देखो देखो उनका भी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज तो उसको मारा है, कल दूसरे को मारे, फिर आप बुलाओगे हमें? भाई खर्च स्थानीय लोगों से बात करने के बाद हमें पता चला कि जिस व्यक्ति ने ये किया है वो मानसिक रूप से असंतुलित है, इसीलिए उसको जब दौरा पड़ा तो वो घर से बाहर निकल आया और इस डॉग पे हमला उसने कर दिया। अबे जाल नहीं पकड़ लो, ऊपर चली गई है, ऊपर से देखो क्या है। काफी देर की मशक्कत के बाद हम लोगों ने इसको रेस्क्यू कर लिया और अब सीधा इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं और वहां मेडिकल स्टाफ से इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराते हैं। पहले इसको थोड़ा सेडेट किया है ताकि ये अपना ट्रीटमेंट आराम से करने दे, क्योंकि ये बहुत डरी हुई थी तो इधर उधर भाग रही थी, इसलिए थोड़ा सा इसको सेडेट करना ज़रूरी था। मारा है कल जब हम इसको रेस्क्यू कर लेकर आए तो ये इतना डरी हुई थी कि इसने डर के मारे कुछ भी नहीं खाया, बट आज हम लोग जब सुबह आए तो हमने इसको खाना दिया तो इसने थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक तो इसको अकेले में छुप छुप कर खाना देना पड़ता था और छुप छुप कर इसकी वीडियो कैप्चर करनी पड़ती थी, क्योंकि इसके अंदर इतना डर भरा हुआ था कि ये किसी के सामने खाना तक नहीं खाती थी। अब ठीक है तू? पहले से आराम है? हैं? अब ठीक है? देखा? कितनी ठीक हो गई, देखा? अब ठीक है? हैं? ठीक है अब? जैसे ही शर्मिली थोड़ा रिकवर होने लगी
और इसका डर थोड़ा सा शांत हुआ तो उसने शेल्टर में अपने आप घूमना शुरू किया और हमारे पास भी इसने अपने आप आना शुरू किया, क्योंकि शायद इसको पता चल चुका था कि हम इसकी मदद करने के लिए इसको यहाँ लेके आए हैं, इसकी जान बचाने के लिए, ना कि इसको घायल करने के लिए और इसको नुकसान पहुँचाने के लिए हम यहाँ लेके आए हैं। हम लोगों ने इसका नाम शर्मीली इसके स्वभाव के ऊपर रखा, क्योंकि जैसे ही हम लोग उसके पास जाते थे या कोई चीज़ इसको देने की कोशिश करते थे तो ये छुप जाती थी कहीं ना कहीं जाकर, या किसी न किसी कोने में ये जाके बैठ जाती थी, इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम शर्मीली रखा। अब शर्मीली बिल्कुल ठीक हो चुकी है और इसके सारे जख्म भी भर चुके हैं। भले ही ये अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हो, लेकिन जब भी ये अपने चोटों के निशान देखेगी इसको वो दिन हमेशा याद आएगा कि उस दिन इसके साथ क्या हुआ था, और अभी भी ये थोड़ा बहुत डरती रहती है, इसलिए हम हमेशा इसके साथ रहने की कोशिश करते हैं ताकि धीरे धीरे इसका डर बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल सके और ये नॉर्मल तरीके से दोबारा से अपनी ज़िंदगी को जी सके। अब शर्मिली सारी ज़िंदगी हमारे शेल्टर में ही रहेगी, उस जगह वापस कभी नहीं जाएगी जहां उसको इतना बड़ा नुकसान हुआ और इतनी बड़ी चोट उसको झेलनी पड़ी। अगर शर्मिली की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई स्टोरी और किसी नए रेस्क्यू केस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।